नमस्कार दोस्तों, आल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली आज हम लोग उतर रहे थे स्टेडियम के अंदर, ठीक है। और स्टेडियम के अंदर करने वाले स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड, फिलहाल तो ये रैंडम प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं स्क्वाड के साथ इसलिए खेल रहा हूँ कि मान लो मुझे रैंक भी पुश करनी है, अगर गलती से मैं नॉक हो जाऊँ तो चार बंदों में कोई ना कोई तो मुझे रिवाइव करने आ ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ के जितने भी बंदे हैं वो सब डुओ में रैंक पुश कर रहे हैं, तो इतने समय मेरे साथ में कोई अच्छा बंदा नहीं है, और खराब बंदा लेने से अच्छा है कि खुद के भरोसे खेलो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक स्क्वाड मेरे सामने उतरी है। अब इस स्क्वाड को मैं बिल्कुल, ये बोट जैसी स्क्वाड है तो मैं इसको बोट जैसे ही तरीके से मारूंगा। अब देखो भाई, ये बंदे ने क्या ही सस्ते वाले नशे किए थे, मुझे नहीं पता है, मतलब दो बंदे इसके नॉक हो गए हैं तो ये मुझे लग रहा है पगला जैसा गया, मतलब दहशत में आ गया, देख रहे हो, मतलब गन नहीं लूट रहा है ये, मेरे पीछे लगा हुआ है देखो, और इसको पता है कि ये मार नहीं पाएगा, जबकि मैं बिल्कुल भी जिगल नहीं कर रहा हूँ, तुम देख रहे हो मैं बिल्कुल जिगल नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से केवल पीछे हट रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना जिगल कर रहा हूँ ना मोमेंट कर रहा हूँ, आराम से केवल मार रहा था बंदे को, और फिर भी उसके समझ में नहीं आया वो मुझे हाथ से मारने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर फाइनली भाई तीन बंदों की मैंने पेटियाँ बना दी यहाँ पर बैठे बैठे, ठीक है, क्योंकि ये तीन बंदों का स्क्वाड उतरा था तो मैंने इसकी पूरी पूरी फिनिश कर दिया पूरी तरह से, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं यार, पिछली वीडियो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछा था डासिया वाला, कि अगर आप लोगों को एक गाड़ी दे दी जाए पहाड़ पे चढ़ाना, तो यार भाई बहुत सारे लोगों ने यार गलत आंसर दिया, मतलब ये बहुत गलत बात है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था आप लोगों ने, बहुत गलत आंसर दिया। हाँ, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम 50% लोगों ने सही आंसर दिया। मैं अब सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, उसका सही आंसर दो ये है दोस्तों कि अगर पहाड़ में गाड़ी आपको चढ़ानी है तो आप, बहुत सारे लोगों ने बोला था हम स्पीड में जाएंगे, बूस्ट करके ले जाएंगे फिर ऊपर चढ़ाएंगे, भाई नहीं चढ़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको चढ़ानी है और आपको बूस्ट वूस्ट कुछ नहीं करना है, नॉर्मली चढ़ानी है, तो आप रिवर्स करके चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सही भी आंसर दिया था, लेकिन इसका यही करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर ये है कि आप अपने टीम मेट को अपनी गाड़ी में बिठाएंगे, उसके बाद रिवर्स लेंगे, नहीं तो ऊपर जो बंदे बैठे हैं ना वो आपकी पेटी बना देंगे, तो जो पीछे आपके गाड़ी में बंदा बैठा होगा ना वो केवल फर्जी फायरिंग भी देता रहेगा ना, तो उन बंदों का ध्यान उसके ऊपर रहेगा, तब तक आप अपनी गाड़ी ऊपर चढ़ा लोगे और आसानी से फाइट ले सकते हो, ठीक है। ये इसका राइट आंसर था। आज का जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, तो आज का आंसर बहुत सोच समझ के और ध्यान में रखते हुए आंसर देना। मैं सबका आज आंसर चेक करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सही आंसर आज देंगे, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा पिछले दिन की अपेक्षा टफ होने वाला है, रोज का रोज क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का आएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। जो लोग पूरा वीडियो वॉच करेंगे उनको जरूर पता चलेगा आज का क्वेश्चन क्या है, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं कहीं ना कहीं उसका आंसर क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो भाई, वहाँ से मैं फाइट करके यहाँ पे आया था, यहाँ पे ड्रॉप गिरा था भाई, जिस ड्रॉप को मैंने नहीं लूटा था उस ड्रॉप को ये बंदा लूट रहा था भाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैंने बस इस बंदे को मार दिया। सामने से जो गाड़ी गई है ना वो गाड़ी अभी आएगी, चल के आएगी वापस, ये देखो आ गई, ठीक है, मतलब शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। मगर मैं इसका वेट कर रहा था कि मैं गाड़ी में नहीं गोली चलाऊंगा, जब ये उतरेगा ना तो पूरी की पूरी 53 गोलियां डाल दूंगा पीपी के इसके ऊपर, अब फिर देखता हूं भाई बंदा जीवित रहता है मर जाता है। तो फाइनली भाई 53 गोलियां झेल नहीं पाया और शायद इसकी डाइटिंग ख़राब हो गई और ये हजम नहीं कर पाया, मर गया बेचारा, ठीक है। तो फाइनली मैंने इसकी पेटी लूटी और लूटने के बाद भैया डासिया उठाई, डासिया उठाने के बाद सामने निकल पड़े, क्योंकि भाई यहाँ पे यार किसी टीम ने मेरे जो रैंडम प्लेयर में जो टीम आई थी मेरी उसका एक बंदा नॉक कर दिया था, ठीक है, तो मैंने सोचा पहले उस बंदे को मारते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पर आया तो भैया एक बंदा मेरे पर गोली चलाने लगा, तो मैंने चलते चलते इसको लपेट लिया, मैंने कहा भाई इसको भी मुक्त कर ही देते हैं, बहुत फड़फड़ा रही इसकी आत्मा, तो मैंने इसको पूरा निपटा दिया। अब उसके बाद मुझे उस बंदे को ढूंढना था जिसने मेरे टीममेट को नॉक किया था, क्योंकि भाई कभी भी टीममेट नॉक हो गया ना तो सबसे पहले ये देखो गोली उसके ऊपर कहाँ से चली है और कब चली है, ठीक है, और जहाँ से चली है पहले उस बंदे की लोकेशन देख लो, अगर वो तुम्हारे पास आने लायक है तो पहले उसी को मारो, अगर दूर है तो रिवाइव करो स्मोक डाल के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बंदा कहाँ पे है, तो मेरी नज़र पड़ी कि बिल्कुल क्लोज में ही मेरे भागता हुआ चला आ रहा था एनिमी, तो मैंने सीधा फुल स्प्रे दिया और बंदे को पूरा पेटी में बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, पेटी में बदल दिया, 9 किल के साथ यहाँ पे उस बंदे को यम के पास भेज दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेरा टीममेट था वो तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन जो मेरा दूसरा 4 नंबर टीममेट था वो यार यहाँ पे अलग आ चुका था और इसको भी किसी ने नॉक कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे भैया एक एक नहीं दो दो एनिमी थे, देखो लेटा हुआ है, लेकिन भाई कितना गंदा एम लग रहा है, मतलब मैं इतनी अच्छे से एम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन एम चिपक ही नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा क्लोज में आने के बाद फिर एक बार एम चिपका और बंदा नॉक, ये देख सकते हो दोस्तों, ठीक है।
तो इसको मैं पूरा फिनिश करने वाला हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ क्योंकि जोन आ गया है। और भाई उतने में इसका टीममेट बहुत गुस्से में था, मुझे लग रहा है हरी मिर्च खा के आया था भाई, तगड़ा वाला गुस्सा था। बंदे ने बहुत तगड़े से मेरे को डैमेज दिया और काफ़ी हद तक मेरे को मतलब किल कर लाया था, लेकिन उसकी किस्मत ख़राब थी कि वो मार नहीं पाया मेरे को, मैंने उसको पहले ही मार दिया दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। अब यहाँ पे जो मेरा एक टीममेट बचा था वो यार नॉक था, मैंने कहा चलो इसको ज़िंदा कर लेते हैं, कभी ना कभी तो काम देगा ही, फिलहाल तो मुझे जल्दी से हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी एक बार ज़िंदा कर लेते हैं। वो जोन के अंदर था, मैंने उससे बोला भाई जोन के बाहर आओ, क्योंकि जोन के अंदर रिवाइव देंगे तो रिवाइव देते देते ही वो मर जाएगा, क्योंकि जोन के अंदर जितना जोन काटेगा उसके बाद उतना तुम रिवाइव नहीं कर पाओगे, मेरी भी हेल्थ जाएगी उसकी भी जाएगी। तो मैंने उसको जोन के बाहर बुलाया और बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हुए रिवाइव किया, क्योंकि मेरे पास स्मोक नहीं था और वो बंदा कोई भी यहाँ पे मतलब मुझे हेडशॉट दे सकता था। तो फाइनली वहाँ से रिवाइव होने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। अब बचे थे चार बंदे, जिसमें दो बंदे हम लोग थे, दो बंदे अपोजिट से थे। ठीक है, अब टक्कर बराबर की थी, या तो हम लोग उनको मार देते या फिर वो लोग हमको मार देते। ठीक है, ये सिस्टम चल रहा था। अब देखो भाई कौन किसको मारता है। तो पहला बंदा तो यहाँ पर मुझे मिल गया भाई, क्या ही तगड़ी वाली कैंपिंग करके आराम से बैठा था, मतलब कुल मिला के ये सोच रहा था कि इसके सामने जो भी आएगा मार देंगे, लेकिन मैं इसके सामने गया ही नहीं, मैं इसके पीछे से गया और इसकी कुंडली बना दी भाई पूरी तगड़े से। ठीक है, अब इसकी तो पेटी बन गई थी, लेकिन जो लास्ट वाला एनिमी था यार, वो पता नहीं कहाँ पे कैंप किया था, मैंने बहुत खोजा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन लास्ट में मिलेगा देखना। और भाई कैसे सरप्राइज दे के मारूंगा वो भी तुम्हें देखना है, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सबसे पहले आज का क्वेश्चन सुन लो कि क्वेश्चन क्या है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अभी तक के जितने भी अपडेट आए हैं उनमें से कौन सा ऐसा अपडेट है जिसमें सबसे ज़्यादा एकेएम का एम काम कर रहा था, मतलब एम चिपक रहा था, समझ रहे हो, सबसे अच्छा एम कौन से वाले अपडेट में काम कर रहा था, कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, तो ये देखो लास्ट बंदा क्या था कि ये जब मुझे नहीं ढूंढ पाया तो फर्जी गोली चलाने लगा भाई। जैसे फर्जी गोली इसने चलाना स्टार्ट किया, मैंने इसको पूरा पूरा फिनिश कर दिया, क्योंकि भाई जैसे ही फर्जी गोली स्टार्ट की उसने चलाना, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया उसको खोजना। वो ऊपर ही बैठा था लेकिन मैं उसको खोज नहीं पा रहा था। ठीक है, तो फाइनली वो बंदा पूरी तरह से फिनिश हो चुका था, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे चिकन डिनर हो गया था दोस्तों। और हाँ, आज का आंसर जरूर देना है जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है, कमेंट करके ये जरूर बताना है कि कौन सा वाला वर्जन था जिसमें सबसे ज़्यादा एम काम कर रहा था, या फिर सबसे ज़्यादा एम चिपक रहा था, ये समझ सकते हो 0.18.0 का, या 0.18.1, 19 या 18-17, जो भी आप समझ सकते हो वो आप बताइए अपने हिसाब से, जिसमें आपको लगता हो कि सबसे अच्छा एम काम कर रहा था। आगे के सभी अपडेट और पीछे के सभी अपडेट को मिला के सबसे बेस्ट वाला जो अपडेट आ